हेलो फ्रेंड्स दोस्तों, चुनावी माहौल ये यूं कहें हर तरफ चुनावी महोत्सव चल रहा है। देश के बड़े बड़े दिग्गज नेता रोड शो करते नजर आ रहे हैं, करोड़ों रुपए लुटाए जा रहे हैं, वादों इरादों का दौर चल रहा है। लेकिन दोस्तों आज हम भारत के पहले इलेक्शन यानी कि पहले आम चुनाव के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों साल 1951 में भारत का पहला आम चुनाव हुआ था जिस पर कि दुनिया की नज़र टिकी हुई थी, क्योंकि दोस्तों लोगों का ऐसा अनुमान था कि चुनाव सफल नहीं होगा। लेकिन इस पहले आम चुनाव में इसे कामयाब करने के लिए काफ़ी मेहनत की गई। सबसे पहले लोगों को जागरूक किया गया कि चुनाव क्या होता है और क्यों ज़रूरी है और फिर वोट कैसे दिए जाते हैं। दोस्तों भारत के पहले वोटर जिनका नाम श्याम शरण नेगी था, जो कि हिमाचल प्रदेश के कन्नौर जिले के रहने वाले थे, 106 साल की उम्र में 2022 में इनका निधन हो गया। दोस्तों भारत के पहले आम चुनाव में पहला वोट इन्होंने ही डाला था। दोस्तों ये एक ऐसा लोकतांत्रिक उत्सव था जिसमें कि लोगों को जागरूक किया जा रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सरकार के लिए वोट करें। दोस्तों उसके बाद चुनाव करने के लिए चुनाव आयोग की नियुक्ति की गई जिसमें कि सुकुमार सेन को भारत का पहला चुनाव आयुक्त बनाया गया। दोस्तों जो कि 1921 के इंडियन सिविल सर्विस के अधिकारी रह चुके थे और कई जिलों में काम करने के बाद पश्चिम बंगाल के सचिव पद पर आसीन थे। दोस्तों इस चुनाव को सफल बनाने के लिए लोगों ने कई तरह के एक्सपेरिमेंट भी किए। चुनाव को वीडियो बनाकर लोगों को दिखाया गया, मॉक वोटिंग भी कराई गई। दोस्तों जनता जान सके कि वोटिंग कैसे होती है, उसका तरीका क्या है। दोस्तों उसके अलावा चुनाव कराने में देश के सामने और भी कई दिक्कतें आईं। दोस्तों पिछड़े गांवों में रेगिस्तानी इलाकों में सड़कें नहीं थी, आने जाने की कोई सुविधा नहीं थी, ऐसे में काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी। बैलगाड़ियों से वोटिंग की पेटियां भेजनी पड़ी, कहीं ऊंट के जरिए वोटिंग की पेटियां भेजनी पड़ी, चुनाव करवाए गए। दोस्तों इससे पहले दुनिया में शायद ही इतनी बड़े स्तर पर कोई लोकतांत्रिक आयोजन हुआ था। दोस्तों इसके अलावा उस जमाने में तकरीबन 85% जनता पढ़ी लिखी नहीं थी, जिस वजह से भी काफ़ी परेशानी हुई। दोस्तों इसके लिए चुनाव आयोग ने हर पार्टी का एक चुनाव चिन्ह बनवाया और ये चुनाव चिन्ह ऐसा हुआ करता था जो कि उनके लाइफ से रिलेटेड हो, जैसे कि दीपक, मिट्टी लैंप, बैलगाड़ियों की जोड़ी वगैरह। दोस्तों चुनाव आयोग ने हर उम्मीदवार के लिए अलग से चुनाव पेटी बनाई और उस पर उसके चुनावी चिन्ह को छपवा दिया दोस्तों, जिससे कि लोगों को दिक्कत ना हो। और इस चुनाव का प्रचार ज़्यादातर लोगों के घर घर जाकर होता था और कहीं कहीं सभाएं भी की जाती थीं। दोस्तों सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ही ऐसी थी जिसे कि रेडियो पर प्रचार करने का मौका मिला था। दोस्तों इस चुनाव में तकरीबन 10 लाख रुपए खर्च हुए थे और ये चुनाव लगभग 4 महीनों तक इसका कार्यक्रम चला था। दोस्तों और उस जमाने में वोट देने की उम्र 21 साल हुआ करती थी। तो दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी, अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर लेना।